चलो भाई, फाइनली बिजली आ गई और बत्ती गुल हो रही है, फिर बत्ती आ रही है, मीटर चालू है, और इसी बीच हम ppmoon.com पर बत्ती गुल मीटर चालू का रिव्यू करते हैं। बत्ती गुल है, मीटर चालू, शौक न लग जाए, बल बल बल। फिल्म की कहानी है जो बल और उसमें ठहरा, और ठहरा और बल ये दोनों नहीं है। फिल्म में एसके हैं, शाहिद कपूर, उनके साथ श्रद्धा कपूर और देवेंदु शर्मा, तीनों दोस्त हैं, हंसी खुशी लाइफ चलती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब 54 लाख का बिल आया ठहरा, जिसकी वजह से देवेंदु शर्मा सुसाइड कर लेते हैं और उनका केस लड़ते हैं एसके उस शाहिद कपूर, क्योंकि उन्होंने वकालत की डिग्री ले रखी है। आखिर में जिरह होती है शाहिद कपूर और यामी गौतम के बीच में, और जीत किसकी होती है, क्लाइमैक्स क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में परफॉर्मेंस की बात करें तो एसके के रूप में शाहिद कपूर ने बढ़िया काम किया है। टिहरी गढ़वाल की जो भाषा है, जिस तरीके से वहाँ के लोग बातचीत करते हैं, उसे अपने अंदर जज्ब अच्छे तरीके से किया है। श्रद्धा कपूर का काम बढ़िया है, दो दोस्तों के बीच में बड़े अच्छे तरीके से दोस्ती निभाई उन्होंने। देवेंदु शर्मा ने भी अच्छा काम किया है। साथ ही साथ फिल्म के जो बाकी कलाकार हैं, जैसे यामी गौतम और बाकी लोग, उन्होंने बढ़िया काम किया है, सहज अभिनय किया है। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें, श्री नारायण सिंह, जिन्हें आप जानते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा के नाम से, उन्होंने एक अच्छे मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। टिहरी को बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर किया है अपने कैमरे में, लेकिन हाँ, शायद ये फिल्म की एडिटिंग करना भूल गए। 175 मिनट, मतलब लगभग 3 घंटे की ये फिल्म है, जिसे काटते काटते बल, काटते काटते बल, काटते काटते टिहरी, काटते काटते ठहरा, अगर ये सब कुछ काट देते तो यकीन मानिए फिल्म और भी क्रिस्प हो जाती। पूरी फिल्म के दौरान लगभग 1500 बार बल और लगभग 2500 से 3500 बार आपको ठहरा सुनाई पड़ता है। सो बल ठहरा, बल ठहरा, बल ठहरा, बल ठहरा, बल ठहरा, बल ठहरा, आप परेशान भी हो सकते हैं। ये एडिट करना बहुत जरूरी था और ये सबसे बड़ी और कमजोर कड़ी है इस फिल्म की। संगीत रिलीज से पहले हिट नहीं हो पाया और सिर्फ देखते देखते वाला गाना ही लोगों को याद है, बैकग्राउंड स्कोर भी गड़बड़ है, तो गीत अगर रिलीज से पहले हिट होते तो शायद ये फिल्म और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती। सो ठहराबल ppmoon.com पर हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 3.5 मून, क्योंकि इस फिल्म की वजह से एक मुद्दे की तरफ प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से न जाने कितने लोग अक्सर सुसाइड कर लिया करते हैं, और शाहिद कपूर ने जिस तरीके से पहले फ्रेम से लेकर के आखिरी फ्रेम तक काम किया है, वो काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से ये फिल्म, मुद्दे पर आधारित फिल्म, ज़रूर देखी जानी चाहिए। ठहरा बल, बल ठहरा, याद रखिए ppmoon.com ही एक ऐसी जगह है जहां पर आपको एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग, यहां वहां की सारी खबरें देखने को मिलती हैं। ओह, ये बत्ती गुल हो गई है, मीटर चालू है, और मेरा भी मीटर चालू था अभी तक, पैसे कब दोगे साहब? बत्ती गुल है, मीटर चालू, शौक न लग जाए, बल बल बल।